नमस्कार। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट साइन 2x माइनस 4 ए टू द पावर 3x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। मेथड कौन से? इंस्पेक्शन। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th में जो फंक्शन है साइन 2x माइनस 4 ए टू द पावर 3x, इसके लिए हमें अलग अलग, सबसे पहले इसका निकालेंगे साइन 2x का, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से एंटर डेरिवेटिव, फिर 4 ई टू द पावर 3x का निकालेंगे, और फिर आफ्टर दैट हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा। कैसे, आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं, साइन 2x, तो साइन 2x के लिए इधर किया था, किया है सेम वैसे ही करेंगे, लिखेंगे सिंस d ओवर dx ऑफ sin 2x, उधर वाला sin 2x किसका डेरिवेटिव या किसके डेरिवेटिव में आएगा, cosine के इसमें आएगा, तो लिखा जाएगा cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन नेगेटिव के साथ चालू होगा, माइनस sin 2x आएगा, फिर इस 2x का करेंगे तो इन 2 में आएगा 2, इसको प्रॉपर लिखेंगे 2 को आगे तो आएगा माइनस 2 sin 2x, फिर इस माइनस 2 का ट्रांसफर इधर करेंगे तो 1/2 माइनस के साथ डी ओवर डीएक्स अंदर रहेगा, कॉस 2x इज इक्वल टू में यहां पर केवल बचेगा साइन 2x। अब इस माइनस 1/2 को भी अंदर भेज देंगे तो मिलेगा डी ओवर डीएक्स ऑफ माइनस 1/2 कॉस 2x इज इक्वल टू इधर आएगा साइन 2x। यह sin 2x का एंटी डेरिवेटिव है तो इसको यहां पर रोक देंगे और इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर निकालेंगे 4 e टू द पावर 3x के लिए, तो 4 e टू द पावर 3x के लिए यहां पर देखिए 4 e टू द पावर 3x लिखा हुआ है, तो e टू द पावर 3x e का ही आएगा, साथ में 4 लिखा हुआ है तो 4 से ज्यादा घबराएंगे नहीं, 4 का भी लेकर के चलेंगे, 4 को भी यूज करेंगे, लिखेंगे अगेन since d over dx of 4 e to the power 3x is equal to, इसमें देखिए 4 बाहर कर देंगे, 4 बाहर आया, e to the power 3x का डेरिवेटिव e to the power 3x, फिर 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको साथ में लिख देंगे तो आएगा 4 इंटू 3 e टू द पावर 3x। अब यहां से हम इस 3 को शिफ्ट करेंगे, 4 को नहीं करेंगे क्योंकि 4 हमें चाहिए, तो इसको लिखा जाएगा, इसको इधर लिख रहा हूं मैं, इधर लिखेंगे 3 का इधर ट्रांसफर किया तो आएगा 1/3 डी ओवर dx ऑफ 4 e टू द पावर 3x इज इक्वल टू में यहां पर बचेगा 4 e टू द पावर 3x, 4 e टू द पावर 3x, इस 1/3 को अंदर भेज देंगे तो लिखेंगे d by dx of 4/3 e टू द पावर 3x इज इक्वल टू में यहां पर आएगा 4 e टू द पावर 3x। अब इधर देखिए 4/3 e टू द पावर 3x, इसका यदि हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 4 e टू द पावर 3x आएगा, इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम के साथ में। अब यहां पर क्या करना है, क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस में sin 2x - 4 e टू द पावर 3x है, तो इधर क्या करेंगे कि sin 2x में इस 4 e टू द पावर 3x को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड के साथ माइनस करेंगे, लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जब हम माइनस करेंगे तो साइन 2x माइनस होगा 4 e टू द पावर 3x के साथ में, तो इधर ये माइनस हो जाएगा इसके साथ में, मींस इधर आएगा हमारे पास d by dx of माइनस 1/2 cos 2x माइनस d by dx of, देखिए पहले LHS वाला, ये LHS का पार्ट है, इसको लिखा इधर, इसके LHS के पार्ट में इसको इधर लिख रहे हैं 4/3 e टू द पावर 3x इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में यहां पर sin 2x, पहले फर्स्ट पार्ट का लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशंस का,
साइन टू एक्स माइनस इधर आएगा 4e to the power 3x। अब इधर देखिए, इस डी बाई डी एक्स और इस डी बाई डी एक्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं एक ही ऑपरेटर के अंदर। मतलब कहने का आपने सीखा है, सीखा आपने कि यदि हमारे पास लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका यदि हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर इसको इस तरह भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इधर डी बाई डी एक्स को एक बार लिखेंगे डी ओवर डी एक्स वन टाइम्स, अंदर इधर फर्स्ट फंक्शन का आएगा 1/2 cos 2x एंड माइनस लगा के इधर आएगा 4/3 e to the power 3x, ये सेकेंड फंक्शन का आ जाएगा। एंड इज इक्वल टू में यहां पर जो लिखा है वही आएगा साइन 2x माइनस 4e to the power 3x। इस तरह से यदि हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यह आएगा, तो यही यही इसका एंटी डेरिवेटिव है। फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e to the power 3x इज इक्वल टू, ये आंसर में आ जाएगा माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e to the power 3x, ये इसका आंसर होगा। कभी आंसर में इधर माइनस को बाहर कर लिया हो तो हम इसको माइनस में बाहर करके कर सकते हैं, या फिर आंसर में कभी इधर एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करके लिखा होगा तो उस तरह से भी कर सकते हैं, और यदि यहीं पर छोड़ेंगे तो भी आंसर हमारा सही कहलाएगा। जय हिंद।